हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज है 15 दिसंबर 2018 और अभी बज रहे हैं रात के करीब 1:25 जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट है examguruji.in, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करें वीडियो से पहले, एमपीपीएससी और एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आज के लिए केवल 497 रुपये में अवेलेबल है एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज। और 15 दिसंबर यानी आज से पहला टेस्ट, इसमें जो दो टेस्ट हैं वो लाइव हो जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी। वहीं पीएससी प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के पढ़े गए हमारे करंट अफेयर के प्रश्नों को रिविजन करेंगे कि किसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बन गए हैं KCR यानी कि के चंद्रशेखर राव, ये बन गए हैं, दूसरी बार बने हैं, ठीक है। किस देश ने भारत के लिए आगमन पर वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है म्यांमार, जहां हमारे राष्ट्रपति जी गए हुए थे और वापस वहां से हाल ही में लौटे हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसने लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये शपथ ली है भारत भूषण ने, ठीक है, भारत भूषण जी जो है वो सदस्य बने हैं। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस देश ने 2018 के लिए प्रतीक के रूप में आपदा को चुना है, क्योंकि वहां पर करीब 200 लोग इस वर्ष 2018 में आपदा में मारे गए हैं और ये चूज किया है जापान के द्वारा। वहीं पांचवा प्रश्न है कि जेमिनेड मोटियोर शॉवर, ये उल्कापात का नजारा होता है जिसको कहा जाता है, ठीक है, जेमिनेड मेटियोर शॉवर, ये कब दिखा, ठीक है, तो ये 13 दिसंबर की रात आसमान में दिखाई दिया था। चलिए बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न कि असम में बाढ़ और भूक्षरण में कमी लाने के लिए भारत सरकार और किस बैंक के बीच में जो है 60 मिलियन डॉलर का जो है ऋण समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में। वहीं सातवां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो इनका नाम है सुश्री अरुणिमा सिन्हा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वहीं आठवां प्रश्न है कि ICAR ने पशुधन और कुक्कुट की कितनी नए फसलों के पंजीकरण, नई नस्लों के पंजीकरण को मंजूरी दी है? तो ये 15 नई नस्लों के पंजीकरण को मंजूरी दी है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं नवा प्रश्न है कि ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये पहली भारतीय बनी है मणिका बत्रा। और दसवां प्रश्न, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, कि नीदरलैंड्स और कौन सा देश जो है हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं? तो ये पहुंचा है बेल्जियम। तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हमारे वीडियोस जिस प्रकार से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जितनी मेहनत से बना रहे हैं, उस अपेक्षा में कम व्यूज आ रहे हैं, कम लोग शेयर कर रहे हैं, कम लोग लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज इसे लाइक करें और कोशिश करें कम से कम एक अपने साथी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हम बहुत जल्द डबल संख्या को अचीव कर सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों में। आज का पहला प्रश्न की पहला प्रश्न है कि फरवरी 2019 में गीता महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो गीता महोत्सव फरवरी 2019 में आयोजित किया जाएगा मॉरिशस में। ए ऑप्शन इसका सही है। अभी हाल ही में ये जो है हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब इसकी डिटेल देख लीजिए, आखिर ये है क्या और क्यों आयोजित किया जाता है, कौन आयोजित करता है? तो मॉरिशस के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं परमा शिवम पिल्ले व्यापुरी। उन्होंने घोषणा की है कि फरवरी 2019 में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? तो मॉरिशस में किया जाएगा। पहले 7 दिसंबर 2018 को हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, और अब किया जाएगा ये मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस के बारे में बता दें कि मॉरिशस जो होगा इस महोत्सव का भागीदार देश होगा और गुजरात जो है इसका भागीदार राज्य है, तो दो ही आपको याद रखने हैं। अब ये इसमें याद रखना है कि मॉरिशस में भी हाल ही में अगस्त 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, तो ये भी मॉरिशस में हुआ था। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें मॉरिशस की, हमारी संस्कृति है कि काफी बड़ी संख्या में वहां पर जो है हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो अब मॉरिशस के बारे में और डिटेल बता देता हूँ। राजधानी यहाँ की पोर्ट लुई है, मुद्रा है प्रधानमंत्री यहाँ के प्रवीण जगन्नाथ, और मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। एक इंडियन रुपीस में लगभग 2 मॉरिशियाई रुपए होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको मॉरिशस दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से मॉरिशस अगर आपको जाना है तो आपको जाना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो ये भारत है, भारत से ये जगह देखिए, ये है मॉरिशस। अफ्रीकन कंट्री है, इंडियन ओशियन के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये है मॉरिशस, एक छोटा सा द्वीपीय देश है।
और इसके बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा रीयूनियन। एक्चुअल में ये रीयूनियन जो है फ्रांस की टेरिटरी है, जबकि ये है मॉरिशस जो कि यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर है, इंडियन ओशियन के अंदर है, इधर मेडागास्कर के पास में है। तो ये आपको मॉरिशस के बारे में याद रखना है। पोर्ट लुई है जो इसकी राजधानी है, तो वो भी बहुत छोटी सी जगह में है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने ये रहा कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII इसके अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विजेंद्र पाल सिंह जी। ये भी वर्तमान में उपाध्यक्ष थे तो इनको अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अब तक अध्यक्ष कौन थे, तो अनुपम खेर अब तक अध्यक्ष थे, तो अब अनुपम खेर जी की जो टर्म बची हुई है 3 साल के लिए बनाए गए थे, इस्तीफा दे दिया, तो उस शेष टर्म के लिए विजेंद्र पाल सिंह 2020 तक के लिए क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। उससे पहले गजेंद्र सिंह चौहान थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की, आखिर डिटेल क्या है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है 13 दिसंबर को 2020 तक के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTTI, ठीक है, इसके अध्यक्ष पद के लिए विजेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है, और ये अभी तक FTTII के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो उन्होंने अब अनुपम खेर की जगह ली है, और अनुपम खेर ने अक्टूबर 2018 में व्यस्तता के कारण पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। तो ये आखिर विजेंद्र पाल सिंह जी है क्या है? तो ये धारावाहिक निर्माता है और निर्देशक है। CID नामक धारावाहिक के निर्माता निर्देशक के साथ साथ ये कभी कभी त्रिचोले नाम के किरदार जो था उसकी भूमिका के लिए भी इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा CID जो कि सबसे लंबे चलने वाले कुछ एपिसोड में से रहा है, उसके निर्माता निर्देशक है विजेंद्र पाल सिंह। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की। तो भारत के पुणे शहर में, ठीक है, जो महाराष्ट्र के संस्कार राजधानी के रूप में जानी जाती है, डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर स्थित है। 1960 में प्रभात स्टूडियो के अंदर इसको शुरुआत की गई थी, और वर्तमान में इसके निर्देशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। तो ये आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किस देश के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जो है भारत की यात्रा पर, 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ये आए हैं फ्रांस के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए, आखिर ये क्या है, क्यों आए हुए हैं। और फ्रांस के विदेश मंत्री यूरोपीय मामलों के मंत्री हैं ली ड्रायन, अपने मंत्रालय के शिष्टमंडल के साथ 2 दिन की भारत यात्रा पर पहुंच गए हैं, और ये मुलाकात करेंगे भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मैडम से। और उसके अलावा जब जाएंगे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच में है, उनको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, ये इसका मेन मुद्दा होगा। बात कर लेते हैं फ्रांस की। राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमानुअल मैक्रों, और मुद्रा है यूरो, याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा यूरो है, और 1 यूरो के अंदर लगभग 82 इंडियन रुपीज हो आजकल हो रहे हैं। चलिए अब मैं आपको फ्रांस ले चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से, ठीक है, आपको फ्रांस जाना है तो आप इस तरफ मूव कीजिए। देखिए ये भारत है, राइट, और यहां है फ्रांस, ठीक है, ये भारत और ये फ्रांस है। तो यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, ये भी हमें याद रखना है, कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये देखिए फ्रांस, ये है पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस की। आसपास कौन कौन से देश लग जाते हैं वो भी आप याद रखिएगा। इस तरफ है स्विट्जरलैंड, इस तरफ इटली है, इस तरफ स्पेन है, ये है बेल्जियम, यहाँ छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, इस तरफ जर्मनी, इसको लग जाता है। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी है, और ये अटलांटिक ओशियन है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस सरकारी विभाग के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये जो विभाग है, ये डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग, इसका जो है ई कॉमर्स पोर्टल शुभारंभ कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाक विभाग, डी ऑप्शन। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। सबसे पहले कि संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है मनोज सिन्हा, और इन्होंने डाक विभाग के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल क्या करेगा, विक्रेताओं, और ये विक्रेता खासकर कौन होंगे, तो ग्रामीण कारीगर, स्व सहायता समूह, महिला उद्यमी, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय,
ये जो है सब अपने अपने उत्पादों को देश भर में बेचने के लिए ई मार्केट प्लेस पर, ये जो ये ई मार्केट पोर्टल बनाया गया है, ई कॉमर्स पोर्टल बनाया गया है डाक विभाग का, उस पर उपलब्ध करा पाएंगे, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि किस संहिता की शुरुआत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को की गई। तो एक बात और पता चल गई कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये शुरुआत क्या की गई है, तो ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता, ए ऑप्शन इसका सही है कि ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के दिन। इसकी डिटेल लिख लीजिए आखिर क्या है कि विद्युत मंत्रालय जो है उसने रिहायशी इलाकों, रिहायशी मतलब जहां आवासीय इलाका होता है जहां लोग रहते हैं, तो उनकी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड, ठीक है, इको निवास संहिता 2018 की शुरुआत की है। और इस कोड की शुरुआत जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में नई दिल्ली के अंदर जो है वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था 14 दिसंबर को, उसमें की गई है। और इससे फायदा क्या होगा, तो इसको अगर क्रियान्वित किया जाता है तो 2030 तक हर साल 125 अरब यूनिट की बिजली की बचत होगी, जो लगभग 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है। तो एक बहुत बड़ा फायदा इससे पर्यावरण को होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। छठवां आपके सामने है कि भारतीय तटरक्षक ने किस राज्य के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया ओडिशा में, ठीक है। ये ऑपरेशन ओलिवा या ये जो तस्वीर है इसका संबंध क्या है, तो ये ओली एक प्रजाति है कछुओं की जो कि बहुत बुरी तरह से मृत पाए या नष्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए किया गया है। और हॉकी के वर्ल्ड कप से भी इनका संबंध है, वो आगे मैं आपको बता देता हूं, पहले इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय तटरक्षक ने ओडिशा में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है, तो ये भी प्रश्न हमें पता चल गया कि गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है, तो वो ओडिशा के अंदर है। वहां पर ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया है। उद्देश्य क्यों है, क्योंकि ये जो कछुए हैं जो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, समुद्री कछुए जिनको ओली के नाम से जाना जाता है, ये उनके प्रजनन का मौसम है। उसके दौरान जो ओलिव है वो ओलिव रिडले जिसे कहा जाता है, समुद्री कछुओं की रक्षा करना है ताकि उनकी प्रजाति जो है बढ़ सके। और इसके तहत इनकी निगरानी की जाएगी एक पूरे तटरक्षक जहाज से। और आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में जो ओडिशा के अंदर क्या चल रहा है, ओडिशा के अंदर हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, और विश्व कप का जो शुभंकर है वो क्या है, तो वो ये ओली ही जो है शुभंकर है। तो जो हमारा प्रश्न भी था, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया, उसकी आगे डिटेल में चर्चा कर लूंगा। बात कर लेंगे सातवें प्रश्न की कि वैश्विक कर्ज 2018 में कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो वैश्विक कर्ज 2018 में जो है कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, तो ये बहुत बुरी कंडीशन है और ये पहुंच गया 184 ट्रिलियन डॉलर। और आप आश्चर्यजनक तरीके से जो सबसे अमीर देश माने जाते हैं वही इसमें सबसे ज्यादा धन लिए हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चाइना, राइट, यूनाइटेड किंगडम जिसे अमेरिका के नाम से हम जानते हैं, वो जापान, ब्राजील, इंडिया, बाकी तो बहुत कम पैसा उधार लिए हुए हैं। चलिए लगभग 25% पैसा तो अकेला यूएसए लिया हुआ है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं आखिर है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक ऋण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर 1840 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, राइट। और इसमें सबसे कर्जदार देशों की बात करें तो अमेरिका, चीन और जापान, आधे से ज्यादा कर्जा इन तीन देशों के पास है अकेले, राइट, याद रखिएगा आधे से ज्यादा कर्जा। और ये राशि 2017 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 225% से ज्यादा, यानी पूरी दुनिया की हम GDP जोड़ लें, उस GDP के 225% के बराबर कर्ज पूरी दुनिया ले चुकी है। और दुनिया के सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त वो देश हैं जो सबसे अधिक धनी देश हैं, तो उन्होंने अपने परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा पैसा उधार लिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं IMF की, जिसने ये आंकड़ा जारी किया है। तो 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय Washington DC में। सदस्य देशों की बात कर लें तो 189 देश इसके सदस्य हैं और इसकी CEO है क्रिस्टीना लेगार्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न आपके सामने कि किस संस्था ने 2016-17 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एकीकृत इस्पात संयंत्र, उसके लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी ये जीती है। तो ये प्रधानमंत्री की ट्रॉफी जीती है टाटा स्टील्स ने, टाटा स्टील्स लिमिटेड, डी ऑप्शन इसका सही है। इसकी डिटेल देख लीजिए, 3-4 साल से लगातार ये ट्रॉफी जीत रहा है। तो निजी इस्पात प्रमुख है टाटा स्टील्स लिमिटेड, उसने 2016-17 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एकीकृत इस्पात संयंत्र, उसके लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी जीती। 2015-16 के लिए भी जीती थी, 2016-17
2014 और 2015-16 के लिए भी पुरस्कार उन्होंने जीता था। और ये पुरस्कार जो होता है ऐसे इस्पात संयंत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचान करने के लिए स्थापित किया जाता है, ताकि जो है किसने अच्छा काम किया है उसके लिए। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है कि वर्ष 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये है अंग्रेजी के लेखक जिनका नाम है अमिताभ घोष, इनको चुना गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए, आखिर यह है क्या पुरस्कार? तो 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अंग्रेजी के लेखक है अमिताभ घोष, उनको चुना गया है। और इनका जो उपन्यास है जिसके लिए इनको चुना गया है, उसके में जो है आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को इन्होंने वर्णन किया है, प्रस्तुत किया। इनके उपन्यासों की बात करें तो शेड ऑफ लाइन्स लाइन्स, द ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक्स एंड फ्लड ऑफ फायर, ये इनके जो है उपन्यास है, मशहूर है। और इससे पहले इनको पद्मश्री मिल चुका है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, न्यास मतलब ट्रस्ट, उसके द्वारा दिया जाता है और भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं में जो लिखता हो वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य हैं। 1964 से इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना भी 1964 में हुई थी। और पहला जो पुरस्कार दिया था मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को ये प्रदान किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि वर्ष 2016-17 के लिए चावल की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है ये झारखंड को दिया गया है, इसमें बिहार को भी दिया गया है और उत्तर प्रदेश को भी अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है। तो उनकी डिटेल देख लेते हैं किस राज्य को किस श्रेणी में क्या पुरस्कार मिला है। सबसे पहले झारखंड को क्या मिला है, 2016-17 के लिए चावल श्रेणी में सबसे अच्छा पुरस्कार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। बिहार को मोटे अनाज के लिए, खासकर मक्का ज्वार के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को तिलहन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश तिलहन के लिए, बिहार को मोटे अनाज के लिए और झारखंड को चावल के लिए ये कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल हमने पूछा था कि हॉकी विश्व कप 2018 जो कि उड़ीसा में चल रहा है उसका शुभंकर क्या है, तो ओली कछुआ जो कि जो लुप्त प्राय है, और उसकी बात हमने इस वीडियो में भी की हुई है। उसके लिए ऑपरेशन ओलिवा के नाम से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आज का प्रश्न है कि फ्रांस में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मैं करंट अफेयर में पहले बता चुका हूं, तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आज की बात कर लेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।